पानीपत के मतलौरा में चार अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक को धोखे से बाहर बुलाकर उसके घर में जमकर लूट की। बदमाशों ने परिवार को बाथरूम में बंद कर 2 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए। आपको बता दें कि चार नकाबपोश बदमाशों ने ताऊ देवीलाल स्थित मकान में जमकर कोहराम मचाया। ताऊ देवीलाल चौक के पास टेंट हाउस संचालक के घर पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल इस मामले में शिकायत पुलिस को दी गई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर नकाबपोश बदमाशों की तलाशी शुरू कर दी है। के बारे में रात को सूचना मिली थी, अभी मेरे टेलीफोन मिली इस तरह की आपके घर में घुस करके लूटपाट की गई है। इस संबंध में तुरंत ही मौके पर पहुंचे और जैसे भी कार्रवाई किया, दरवाजे को पकड़ लिया। दरवाजे को जैसे ही पकड़ा तो उन्होंने मेरे हाथ के ऊपर अपना असला मारा। जब भी मैंने दरवाज़ा नहीं छोड़ा तो उन्होंने मेरे सिर पे असला मारा। तो उन्होंने कहा कि भी मैं धक्का दे रहा हूँ, आपका बेटा नीचे है। तो फिर मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद तो उन्होंने अपने मेरे पापा और मम्मी को भी अपनी गन के नोक पे रख लिया और हमें चारों जनों को, मेरी वाइफ को, पापा को, मम्मी को और मेरे बेटे को और मुझे लैटरिन के बाथरूम के अंदर बंद कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने, चार जने थे वो, तो उन्होंने अंदर जाके सारे कमरे की तलाशी ली। जो सामान पड़ा था, जेवर, गहने, नकदी कैश सब कुछ उठा लिया। तो जाते जाते धमकी दे के गए, किसी को कुछ बताया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। 3 जनों के मुंह पे कोई मास्क नहीं था, एक जने के ऊपर माउथ के ऊपर मास्क था। जाते जाते हमें ये धमकी दे के गए। कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग 2 लाख कैश, 3-4 लाख का सोना, बाकी पास बैंक की पासबुक थी और वगैरह वगैरह बहुत सारा सामान था।